मतलब आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी इसका बता देंगे, क्योंकि ये केवल एक दलित के ऊपर की बात नहीं है, ये हमारी एक उस मानसिकता को भी दिखाती है जो आजादी के 75 साल बाद हम लोग कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सबका साथ सबका, क्या क्या बातें कर रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो ये है कि अभी भी अगर कोई बच्चा एक किसी बड़ी बिरादरी वाले का पानी पी लेता है खड़े का, तो उसकी उसकी ऐसी पिटाई होती है कि अंततः उसकी मृत्यु होती है। अशोक भाई साहब, अब हम शुरू आप ही से करेंगे क्योंकि थोड़ा आप लार्जर पर्सपेक्टिव में इस बात को बताइए। अशोक भाई साहब, सभी को मेरा नमस्ते। ये हम राजस्थानियों के लिए ही नहीं, पूरे इंसानियत के लिए शर्मनाक घटना हमारे राजस्थान में घट गई, और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, लगातार चल रही। और इसमें भी सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है कि दलित शब्द लगा करके हम किसी बच्चे की हत्या को छोटा कर देते, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। चाहे वो किसी की हत्या हो, वो जंगल राज को या पशुता को प्रकट करता है। राजस्थान के विषय में कहना चाहूंगा मैं कि निश्चित तौर पे राजस्थान रजवाड़ों का सामंती प्रदेश रहा है, लेकिन यहाँ पे जो खोपड़ी है, इंसान का दिमाग है, उसमें जो सामंती कल्चर है, उस कल्चर की बदौलत ये घटनाएं बहुत ज्यादा घटती है। और आप लिस्ट उठा के अगर देखें जो घटनाएं घटी हैं, उनमें भी दलितों में भी कौन मरता है? सामान्य आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी, छोटा आदमी, गरीब आदमी, वो ही ज्यादा मरते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जात बदलना बड़ा मुश्किल काम है, धर्म बदलना तो बड़ा आसान है। आप हिंदू से ईसाई हो जाइए, हिंदू से मुसलमान हो जाइए, लेकिन ये जो जातिवाद का जहर है, ये जातिवाद का जो जहर है, जिस पे लोहिया ने अटैक किया, बाबू जयप्रकाश नारायण ने अटैक किया, महात्मा गांधी ने अटैक किया, ये जातिवाद के जहर से हम मुक्त नहीं होना चाहते, या क्यों नहीं होते इस पे सोचें? तो इसमें हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था को हमें खोखोलना पड़ेगा, और बड़ा रिवोल्यूशनरी काम इसमें करने की जरूरत है। जैसे एक दम ये नारा चला था, जने वो तोड़ो, आज क्या वो नारा लगा सकते हैं? जब धर्म और संस्कृति की बात होती है, तो धर्म और संस्कृति, हर एक धर्म में और संस्कृति में जीवों की रक्षा करने की बात बड़ी प्राथमिकता से की गई है। तो ऐसी स्थिति में दलितों पर, या किसी गरीब के ऊपर, या किसी मजदूर के ऊपर, या किसी ऐसे पिछड़े हुए आदमी के ऊपर हमला होता है, उसके पीछे जो मनोदशा है, वो मनोदशा बड़ी खराब है। अब पानी एक ऐसी चीज है जिससे पूरी सृष्टि चल रही। पानी पीने के मामले को लेकर के पहले, बहुत पहले के टाइम में अलग अलग कुएं होते थे। यहाँ घोड़ी पे चढ़ो तो वो लांछन मिलता है, अगर आदमी खाट पे बैठता है तो हमें यहाँ राजस्थान में खाट का आंदोलन चलाना पड़ा चित्तौड़गढ़ में। और ऐसी विषम स्थिति है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में एक बार गया था, और वहां पर एक वाल्मीकि समाज के रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने रिटायर होने के बाद में ये कहा कि भाई मुझे भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका चाहिए, मुझे टिकट दो। तो इतना घटिया तरीके से उनको लताड़ा गया था कि आपकी ये हिम्मत कैसी हुई कि आप ये टिकट, वो राजनीतिक पार्टी धर्म और संस्कृति की बातें करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति में तो ये बातें नहीं है। और जिस बंदे ने कहा था, तो दलित समाज को भी एक बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। एक बार एक दलितों की यात्रा उदयपुर से चली और किशनगढ़ आई, तो किशनगढ़ में जिन लोगों ने खाना बना रखा था, अजमेर के पास किशनगढ़ जगह है, तो वहां लोगों ने खाना खाने से मना कर दिया। बाबा अम्बेडकर ने हमें कहा था कि पढ़ो, ज्ञान लो और सब दलित एक हो जाओ, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? उसके लिए अगर हम तैयार नहीं होते, और उसमें भी वर्गीय व्यवस्था हमको एक नहीं होने देती, तो इस वर्गीय व्यवस्था को ये समझना पड़ेगा कि अगर समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, तो ये भारत के लिए शर्मनाक तो है ही, हमारे सारे विकास को धूल में मिला दे। विकास का मतलब क्या है? चंद पैसे आ जाना, इमारतें बन जाना, सड़कें बन जाना, हवाई जहाज चल जाना, यही विकास नहीं। अगर ह्यूमन बींग्स का, यानी आदमियों का, इंसानों का और प्रकृति के साथ तालमेल अगर आप करके देखें, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि तमाम इंसान, जो भी जीव जगत है, और जब जय जगत की बात हम करते हैं, महात्मा गांधी कहते थे जय जगत, वो विश्व की बात कर रहे थे, वासुदेव कुटुंबकम की बात हम कर रहे थे, और उसमें एक बच्चा मर जाता है हमारे यहाँ पे पानी के लिए। अकाल के अंदर लोग मरते थे राजस्थान में पीने के पानी के अभाव के कारण, और वो अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो जाती थी, अकाल के कारण लोग भूख से मर जाते थे,
ये बातें प्राकृतिक प्रकोप की थी, लेकिन आज तो इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा है। इसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है। ये घटना आप अगर देखें तो आप देखो कि आपने कानून को सख्त कर दिया, बलात्कार वाले आपने कानून को बड़ा बल प्रदान कर दिया, लेकिन कानून से भी रुकने दी, क्या बलात्कार रुके, क्या इस प्रकार की हत्याएं रुकी, क्या दलितों पे जुल्म रुका, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि इसके लिए जो नॉन दलित हैं उनका संकल्प शक्ति कम है, उनके अंदर ये ताकत नहीं है। वो जनेऊ तोड़ने वाले बात या लोहिया जी ने जो बात कही थी, हम लोगों को वो स्वर्ण जो कहलाते हैं या जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, समाज के नीति निर्देशक कहते हैं, वो लोग क्या ऐसा फैसला कर सकते हैं? क्या वो लोग ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि भाई हमारे आसपास या हम खुद किसी दलित को दलित नहीं माने, कम से कम इंसान मानते हुए, उसको अपना भाई मानते हुए, उसको अपना सहोदर मानते हुए उसके साथ व्यवहार करें? हम जब दलित मान लेते हैं तो ये तो मान ही लेते हैं कि वो नीचा है। जब आप चाहे उसको हरिजन नाम लगा दो, चाहे दलित नाम लगा दो, नाम बदलने से नहीं होने वाला है। आप उसके अंदर अपनी अपनी मानसिक अवस्था को बदलिए। साथ ही साथ में हमें ये भी करना पड़ेगा, ये हमारा भू सुधार वाला आंदोलन जो विनोबा जी ने चलाया था, यहाँ माऊ से तुम की बात तो कर नहीं सकता मैं, अगर करूँगा तो आजकल मुझे डर भी बहुत लगता है, लिखने से भी डर लगता है और बोलने से भी डर लगता है। और इस डर के कारण जो खामोशी आई है, उस खामोशी की एक सजा है इस बच्चे को मिली। अगर हम लोग खामोश नहीं होते तो ये बच्चा नहीं मरता। हम लोग खामोश हैं, एक आदमी मास्टर बन जाता है और वो कहता है कि मैं स्कूल चला रहा हूँ, और उस मास्टर बनकर वो बच्चों को क्या देगा, क्या संस्कार देगा, क्या रिटर्न देगा? किताब में छपी हुई बात ABCD या A to Z या क्या क्या गगड़ है या 1 2 3 4 5, यही तो पढ़ाई नहीं है। इस पढ़ाई के अलावा पढ़ाई ये है कि हम इंसान को इंसान कैसे माने। जब बच्चे एक लाइन में बैठे होते हैं, जब बच्चे एक ड्रेस में होते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे ही उसके बीच ये रोपण होना चाहिए कि भाई कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राजस्थान में जातिवाद राजस्थान में ही नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ही जातिवाद का जहर बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गया। एक समय ये नारा चला था कि जाति तोड़ो बंधन तोड़ो, ये अन्याय के बंधन तोड़ो। इस नारे को हम क्यों भूल गए? इस बात से, इस नारे से लोगों को डर लगता है। कौन लोग? जो गरीबों को लूटने में लगे और संस्कृति के नाम पर लूटने में लगे। संस्कृति के नाम पर उन्होंने ऐसा कारोबार कर लिया है कि हम सब कहते हैं कि हम तो महान हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे हैं, हमारा विशाल भारत है और बहुत अच्छी बात है, अभी हमने 75 साल बनाया। 75 साल में आप कितने पीछे आ गए कि एक मासूम बच्चा मर गया। एक मासूम बच्चा मर गया, ये तो घटना सामने आ गई, उजागर हो गई। पर मैं जानता हूँ कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस में FIR भी नहीं होती, जो पुलिस में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, जो कह भी नहीं पाते। इसके लिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी नॉन कास्ट को या ऐसे लोगों को जो दलित नहीं है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। जैसे मैं साफ कहूँ, क्योंकि जातियों की बात तो है ही, अभी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने ये कह दिया कि जातियों से मत करना हो, अब तो इसका मतलब ये है कि आपने जाति को स्वीकार लिया। जब आप जाति को स्वीकारते हैं तो जाति पे जब स्वीकार लेते हैं, समाज में विभेद को स्वीकार लेते हैं, तब आप क्या करते हैं? उसमें होगा तो वही, जो कमजोर है वो मारा जाएगा। शेर और बकरी एक ही नाव में चढ़ा दो तो कौन होगा? अब लोग पूछते थे, एक कहानी पढ़ी थी हमने, तो शेर बकरी और घास एक नाव में जा रही है तो कौन पहले खाएगा? बकरी खाएगी घास को या शेर बकरी को खाएगा? भाई बकरी की मौत तो पक्की पक्की है। तो गरीब आदमी या कमजोर आदमी, उसको जाति के नाम पर प्रताड़ना दो, उसको मानसिक यातना दो और मटके से पानी पीने पर मार दिया जाए। ये तो मार दिया क्या जाए, ये पूरी सिस्टम को मार दिया गया। पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवाल उस बच्चे ने खड़ा किया है कि जो कभी ईसा मसीह ने कहा या तालस्ताय ने कहा, या हम कहें हिंदुस्तान के संदर्भ में तो महात्मा गांधी बेचारे ये बात बार 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 कहते थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ मूवमेंट भी चलाया, लेकिन 75 साल में हम महात्मा गांधी को भूल गए। गांधी जी की आप नोट पे छाप लेते हैं फोटो, मूर्ति लगा देते हैं, बाबा अम्बेडकर को आप इतना मानते हैं, फिर ऐसा क्यों भाई? और दलित समाज को भी ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि दलितों की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, उन जातियों को अपने बंधन तोड़ ही देने चाहिए। अब एक ही रास्ता रह गया है, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा, दलित आप उसको क्यों मानते हैं? आर्थिक रूप से जो वंचित है वो सब दलित है। वो सब दलित, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
उनके साथ वैसा व्यवहार होता है, उनमें से कोई कोई आदमी पढ़ के आगे निकल भी जाता है। तो मैंने मेरे ही दोस्तों को देखा है, वो चाहे कितने बड़े ओहदे पे बैठ जाएं, वो AN बन जाएं, JN बन जाएं, सरकार के नीति निर्देशक मंडल में बैठने लग जाएं, लेकिन उनको कई बार जब बाहर निकलते हैं मीटिंगों से, मुझे भी ऐसी मीटिंगों में जाने का मौका मिला, तो लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार हमारे जो मानसिकता है उसको बदलने से सुधरेगा। और हमें लोकतंत्र में हम जीना चाहते हैं, लोकतंत्र में अगर आप जीना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा कि आपको इंसान से इंसान को लड़ाने की तमाम साजिशों के खिलाफ, तमाम इस प्रकार की हरकतों के खिलाफ एक आवाज को खोलना पड़ेगा। मेरी तरह डरिए, डरना इंसान की प्रकृति है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा ही है, आप घबराइए, ये भी इंसान की प्रकृति है, लेकिन खामोशी, खामोशी इस प्रकार के नादान लोगों की मौत का कारण बनती है। हम खामोश हैं इसलिए लोगों के अंदर ये, उस मास्टर जी जहाँ कहीं BEd किया होगा, खुद BA MA किए होंगे, किसी स्कूल में पढ़े होंगे, वहां पे वो माहौल ही नहीं है। और जहाँ जालोर में ये घटना घटी है, वहाँ जालोर सिरोही खासतौर से हमारा दक्षिणी राजस्थान, वहां पर हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि बगैर ठिकाने के ठिकानेदार हैं। ठिकानेदार कहते हैं हमारे ठाकुर को, आनंदवर्धन जी माफ करें, तो मैं कहूँ कि उनसे सीधा इम्प्रेशन जाता है राजपूतों के ऊपर, पर मैं जाति की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे ऐसे लोग मिल जाएंगे, इस मानसिकता के लोग मिल जाएंगे जिनके घर में खाने का अनाज नहीं होगा, लेकिन वो ठाकर बने हुए रहते हैं। और ये ठाकर बना हुआ जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को तोड़ने के लिए जो नॉन दलित हैं उनको ही आगे आना पड़ेगा, उनको ये तय करना पड़ेगा। और उनको आज के दिन जब आप 75वीं सालगिरह बना रहे हैं, संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई हम अपना व्यवहार बदलेंगे, अपना ही व्यवहार बदलना पड़ेगा आपको, तब लोग आपको देख करके जीवन चलाएंगे, जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किया। और वैसा ही क्या हम करने को तैयार हैं क्या? और दलितों को तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमारे इलाके से भी एक जनप्रतिनिधि थे, उनसे बातचीत हुई, तो बाबा अंबेडकर का दिन था, मेरे घर के आगे बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, तो मैंने देखा वही हाल हो गया। कौन सा? जैसे हम हर मंदिर में स्तुति करते हैं, ओम जय जगदीश हरे कर, रामचंद्र जी की तरह भीलनी के बेर हम नहीं खाना चाहते, लेकिन रामचंद्र जी की मूर्ति की स्तुति करना चाहते हैं, अगरबत्ती लगाना चाहते हैं, चढ़ाने का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, तो वही हाल अम्बेडकर जी का हो गया। साल में एक बार जैसे होली दिवाली या त्योहार आया, अम्बेडकर जी के हमारे घर के आगे पूरा मैदान भर जाता है और अलग अलग जुलूस आते हैं, अलग अलग वो, लेकिन उसमें अम्बेडकर जी ने जो चार मुख्य बातें कही थी कि शिक्षित बनो, नेक बनो, और ये जातीय बंधन तोड़ो, और सभी दलित समाज एक हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज दलित समाज ही नहीं, तमाम इंसानियत के लोगों को एक होना पड़ेगा। और जो दलित कह के मत कहिए इसको, इसको आप ही कहिए कि आर्थिक रूप से वंचित कमजोर लोग, तो उन कमजोर लोगों पे होने वाले प्रत्येक जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और खास तौर से उन लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी जो अपने आप को समाज का जिम्मेदार लोग कहते हैं। धन्यवाद। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर हमारे विद्वान साथी और भी आए हुए, इनको सुनूंगा और कोई बात निकलेगी। हमारा एक घटना अभी बता ही देता हूँ, तो वो हमारे देश के लोकतंत्र से जुड़ी हुई बड़ी शर्मनाक घटना है। हमारे राष्ट्रपति पुष्कर आए थे, जो पिछले राष्ट्रपति थे, पुष्कर के सीढ़ियों के नीचे से उनको ब्रह्मा जी का दर्शन करने का कहा गया, ऐसा कहते हैं लोग। वो कहते हैं कि वो किसी ने कहा नहीं, लेकिन वो सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ थे, इसलिए सीढ़ी चढ़कर ब्रह्मा जी के मंदिर में नहीं गए हैं। पर मोटी बात क्या है, मैंने तो उनको टीवी पे सीढ़ियां चढ़ते हुए चलते फिरते उनको और उनकी पत्नी को कई बार टीवी पे देखा, मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से दलित शब्द लग ही रहा है, तो वो भी दलित समाज से आए थे, राष्ट्रपति बन गए। इतने ऊंचे देश के सर्वोच्च पद पर जाने के बाद अगर वो ब्रह्मा मंदिर में जाने की उनको जाने गए नहीं, इसका क्या मतलब? ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, कहते हैं पुष्कर के अंदर अजमेर के पास में एक ही मंदिर है, उसमें वो गए नहीं, ये क्या दर्शा रहा है कि हम 75 साल में आगे नहीं गए, पीछे आए। धन्यवाद। वैसा मैं आपके पास एक दूसरी चीज के लिए आ रहा था, जो जो मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, राजस्थान में एक एक पॉलिटिकल लेवल पे एक बात और होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्टी विशेष, जो इस समय देश की कुछ पार्टियां हैं, उनके भी सत्ता में रहने ना रहने से फर्क पड़ता है, नंबर 1, और नंबर 2, राजस्थान के रेफरेंस में चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि ये, मान लीजिए दलित उत्पीड़न हो रहा है या कोई कोई क्राइम हो रहा है,
असली बात यह है कि उसके बाद कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि अगर उसके बाद संवेदना है सरकार में, सरकार कुछ कर रही है तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि पार्टी या चीफ मिनिस्टर भी कौन है, इससे भी फर्क पड़ता है दलित रेफरेंस को लेकर, दलित उत्पीड़न को लेकर? अशोक भाई सर, पिछले 75 सालों में हमारे लोकतंत्र का ये हाल रहा है कि हम राजनीतिक पार्टियों को बदल देते हैं वोट डालने, लेकिन हमारा सामाजिक तंत्र, हमारा राजनीतिक तंत्र यथास्थिति में चलता है। अब कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, उससे ये सब चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। तो ठीक यूँ नहीं होने वाली हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने एक बार अपना नाम के आगे से गहलोत हटा दिया था, वो कहते थे मुझे अशोक भाई को, लेकिन क्या हालत हुई कि आज वो गहलोत लगाते हैं। और वो जाति के सारे समारोह और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर, मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर जो संविधान के ओथ लेते हैं, जो MLA हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको कम से कम धर्मनिरपेक्ष चरित्र दिखाना चाहिए। उनको ये चादर चढ़ाना है, उनको टल्ली बजाना है, मंदिर में जाना है और ये साबित करना है कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, या जैसा कि पिछले दिनों एक राजनीतिक पार्टी ने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व। ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? नमक तो नमक है, वो चुटकी भर के नमक लीजिए या 1 किलो नमक लीजिए, दूध में जाएगा तो फट जाएगा। तो आप ये इस प्रकार का चरित्र अपना अलग, उतनी हिम्मत जो किसी टाइम लोहिया जी ने दिखाई थी या जयप्रकाश जी ने दिखाई थी या गांधी जी ने, तो खैर बहुत ज्यादा सुसाहस किया था इस देश के अंदर। और या अगर अगर आप जाते हैं दयानंद सरस्वती के पास, तो उन्होंने वो जो मूर्ति पूजा का विरोध किया था वो भी अपने आप में एक रिवोल्यूशन था। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान की विशेषता है कि हमारे यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे के सामने मनु की मूर्ति लगी, मनु स्मृति जिन्होंने लिखी। मैंने मनु स्मृति को पढ़ा नहीं, लेकिन मनुवाद के बारे में मैंने सुना बहुत, क्योंकि मनुवाद से हमारी सामाजिक संरचना का बड़ा ताल्लुकात है। उसमें तर्क के साथ ये बताया जाता है कि जाति प्रथा होनी चाहिए, उसमें तर्क के साथ ये बताया जाता है कि दलित होता है, उसमें बताया जाता है कि साहब ये आदमी शासन करता है, ये ऊंची जात का आदमी है, ये कैसा है। और इतने साल के बाद जब हम संविधान को भी मानते हैं, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा गया, और उसके ओथ लेते हैं, उसके बावजूद भी हम मनु के जो न्याय के सिद्धांत हैं उनको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा दोहरा चरित्र हो गया। राजनीतिक पार्टियों को बदलने से मैं नहीं समझता कि ये सिस्टम बदलने वाला है। ये राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों पर चलते नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां जो बातें कहती हैं उन पे चलते नहीं है। आप देखो जूं जूं दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया, वो हालत हुई। कानून के हिसाब से आप सख्त से सख्त कानून बना दीजिए, लेकिन आज का सिस्टम, मैंने जो कहा था कि दलित और ये वंचित वर्ग की बात को, मैं शक्ति बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तमाम दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ इस मंत्र के बीच में। तमाम ऐसे लोग जो वंचित वर्गों के हैं वो अगर एक होते हैं, वही तो बाबा अम्बेडकर कह रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि उसमें आप जाति को या धर्म को कोई प्रिविलेज दे रहे हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। जब भी कभी परिवर्तन होगा इस मुल्क के अंदर या दुनिया में, जब भी कभी परिवर्तन होता है, तब आपको वंचित वर्गों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें मनु की फिलोसफी चाहिए। वो किसी जमाने में लिखी गई होगी या किसी जमाने में किसी आदमी ने कोई बात कही होगी, उस जमाने के संदर्भ में अगर आप चले जाएं, आज जब रॉकेट चल रहा है, आज हम लोग जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में बैठे हैं, हमारे यहाँ पानी कहाँ से आता है? हमारे यहाँ पानी आता है मानसरोवर झील चीन से, और सतलज नदी से होता हुआ, इंदिरा गांधी नहर से होता हुआ मेरे शहर में आता है, ठीक जैसलमेर तक जाता है। अब उस पानी के अंदर कितनों कितनों का हाथ लगता है, उसके बाद वो वाटर वर्क से पानी हमारी टूंटियों में आता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि आज विज्ञान के युग के अंदर इतना बदल गया कि वही पानी मस्जिद में जा रहा है, वही पानी गुरुद्वारे में जा रहा है, वही पानी मंदिर में सब जगह जा रहा है, वो हिंदू पी रहा है, हरिजन पी रहा है, सब पी रहा है। फिर भी हम जो कल जो सांस्कृतिक बात है, वो सांस्कृतिक बात के अंदर हम मनु को अगर लेके चलेंगे, मैं खास तौर से उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये तो करें, जो भारतीय लोग जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं, उनको ये तो करना पड़ेगा। अगर हिंदुओं की भी ताकत बढ़ा रही है, तो आपको दलित लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा और वंचित वर्गों को अपने साथ लेना पड़ेगा। क्या RSS, जिसके बारे में खुल के ही बात कर लें, तो RSS की फिलोसफी के अंदर अभी मोहन भागवत कोई हो, उनके कथनी करने में जरूर अंतर है, लेकिन क्या वो ये कह सकते हैं
आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हालात बन गई हैं, जब ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हालात बन गई हैं, हम ये चीजें कर सकते हैं कि इंसान इंसान में भेद हमारे यहाँ तो रहेगा, या हिंदू राष्ट्र बनेगा, या यहाँ पे दलित पानी नहीं पिएगा, या यहाँ पे राजपूत ही ये होगा, ये कुआं इसका है, ये कुआं इसका है, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। और इसके लिए ठोक करके उन सब लोगों को मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है या उसके अंदर जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों पे चोट पहुंचानी पड़ेगी। और राजस्थान के लोगों को हिम्मत करके ये करनी चाहिए कि कम से कम वो प्रतीक जो लगा हुआ है मूर्ति का, भाई मूर्ति पूजा में या मूर्ति को जय जयकार करने में मैं विश्वास नहीं करता, मूर्ति का लगना है या हटने में भी मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन आप देखिए जब अंग्रेजों की गुलामी के अवशेष हम हटाना चाहते हैं तो फिर वो अवशेष क्यों रखना चाहते हैं, उसको हटाने की बात की जानी चाहिए। और लोगों के बीच में ये बात मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये सब चीजें एक किसी काल के अंदर किसी ने लिखी होंगी, पता नहीं सही थी या गलत थी, लेकिन आज के टाइम में कतई सही नहीं है। और इस मनु न्याय की जो पद्धति है इसको बिल्कुल, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट वे में मतलब सत्ता का जो रूप है ना, आप कह रहे राजनीतिक पार्टियां बदलने से, अभी जो राजनीतिक पार्टी है जो हमारी शासन की बागडोर अपने हाथ में है, वो तो ये भाई स्क्रूटनी करती है। मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, अभी हमारे मीडिया पे तो क्या है, मैंने जो पहले कहा कि मैं डरता भी हूँ घबराता भी हूँ, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि बाकायदा एक संगठन जासूसी भी कर रहा है, वो सेंसर भी कर रहा है। इंदिरा गांधी को आरोप लगाया जाता है आपातकाल और सेंसर का, हमारे लोकमत का भी सेंसर होता था उस वक्त में, लेकिन अब सेंसर नहीं होता, अब तो वो लाल बिंदी हरी बिंदी या लाल हरी लाइन लगा करके तत्काल शासन को भेजते हैं कि साहब ये तो ऐसा है, और फिर वो तत्काल ही उसके ऊपर कत्लेआम होता है। तो प्रिंट मीडिया वाले लोग तो थर थर कांप रहे हैं, आप जैसे बहादुर लोग हैं जो कि इसको चला रहे हैं। खैर, ये जो पानी वाली घटना है, इस घटना को केवल एक घटना मान के मत चले, अगर इसको केवल एक घटना मान के चलेंगे तो हमारा शासन ये कह देगा आपको, जी हमने गिरफ्तार कर लिया है, कानून काम कर रहा है, और कानून के काम के तहत हम ये काम करेंगे, उसको सजा दिला देंगे, तो सजा भी दिला देंगे फिर जमानत भी हो जाएगी, जैसा आज गुजरात में हुआ। उनके पास तो हथियार है ना, एक लाइन में कर सकते हैं, और फिर दूसरा कोई आएगा, जैसा कि आज जालौर के अंदर प्रदर्शन हो रहा है सर्व समाज, इस सर्व समाज में भाई, सर्व समाज जब आप नाम देते हो तो इस सर्व समाज में क्या, और फिर कानून में तो क्या है, एक बात और भी जोरदार है कि प्रमाणित करना पड़ता है। प्रमाणित करने के लिए कैसे करेंगे प्रमाणित, तो प्रमाणित करने के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनका तो हौसला एक सरकार के पटवारी के खड़ा होने का नहीं होता, जी ठीक वो बात लोग कैसे बयान देंगे, कैसे क्या करेंगे, ऐसी विचित्र हालात के अंदर खाली कानून से आप उम्मीद मत कीजिए। इस बच्चे की तो शहादत हो गई, बलिदान हो गई, पहले बलि दी जाती थी बच्चों की, ऐसे मान लीजिए इसकी बलि हो गई, लेकिन क्या हम आज भी सुधरना चाहते हैं क्या, अगर आज नहीं सुधर रहे तो इसकी सजा हमारी आने वाली नस्लों को बहुत बुरी मिलने वाली है।